मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु साष्णम जैनम जयतु साष्णम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं, उसमें से हम पर्याय की परिभाषा पढ़ रहे हैं। पर्याय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। पर्याय के दूसरे नाम क्या बताए थे? हालत, दशा, अवस्था, पर्याय, कार्य, परिणमन। बराबर समझ में तो आ रहा है ना? क्या कहना चाह रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है? लकड़ी का ये वृक्ष था ना, वृक्ष देखो उसकी पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई, इसको पर्याय कहेंगे। अब इसको तोड़ दो तो पर्याय बदल जाएगी। ऐसे ऐसे अब हर एक में लगा लेना, इसको हम पर्याय कहते हैं। अभी ये तो बहुत स्थूल बात कह दी हमने, अभी थोड़ी सूक्ष्म बात है। किसके कार्य को पर्याय कहते हैं? गुणों का। एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। तो अनंत गुणों का प्रत्येक समय कितना कार्य हो रहा है? क्या गजब बात है। अनंत गुणों की नाम काउंट करना मुश्किल है, अनंत गुणों को गिनना मुश्किल और एक समय को पकड़ना मुश्किल। कल रात में इतनी बात आ गई जी, एक समय एक सेकंड में असंख्या समय, केवल ज्ञान के गम्य। एक भाई ने पूछा था कल कि साहब वर्तमान को हम कैसे नहीं जानते, नहीं भूत भविष्य को तो नहीं जानते, भूतकाल तो बीत गया उसमें चेंज नहीं, भविष्य काल आया नहीं उसमें चेंज नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान तो है ना। वर्तमान है ना, लेकिन वर्तमान किसे कहते हैं? एक सेकंड में असंख्यात का भाग दो तो असंख्यात बा समय, वो केवल ज्ञान के गम में है, चार ज्ञान के गम में नहीं है। वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान के गम में नहीं है, जानने में नहीं आता है। कई बार आप बोलते हो पता नहीं मेरा आज क्या चल रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कई बार आप बोल जाते हो और आपको ही नहीं मालूम मैंने क्या बोला है। क्यों मैंने ऐसा बोला क्या? ऐसे पूछते मैंने ऐसा बोला क्या? खुद ने बोला है। खास तौर से गालियां देने वालों को तो खबर ही नहीं पड़ती कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो देते जाते हैं, बोले कौन गाली देता है। और कौन के पहले खुद गाली बोल रहे हैं। समझ गए? नहीं तकिया कलाम, गाली देते जाते हैं, नहीं खुद को ही खबर नहीं हम गाली देते हैं। इसकी चर्चा तो अभी नहीं करना है अपने को, अलग से करेंगे इसकी बात। लेकिन आ गई तो कह दू थोड़ी सी बात, क्या बोलते हो कभी सोचो तो सही क्या बोलते हो। कई बार तुम अपने आप को ही गाली देते, मेरा जैसा कौन होगा, अब बीच में शब्द खालिस्तान भर लो, मेरा जैसा खालिस्तान कौन होगा, अने बीच में इतनी गंदी गाली। अब मैं इतनी देर रुक रहा हूं, इसका मतलब तो समझ लो कि क्या बोलते हो। माँ की गाली ना बहन की गाली, क्या गंदी गंदी बातें बढ़ते हो। जरा आप जरा यहां से सोचना, कहां तुम भगवान तत्व ने क्या तुम बोलते हो। ये तो महिलाओं की मजबूरी है बिचारों की, जो तुम्हारे अधीन रहती ना इसलिए कह नहीं पाती हैं। क्या करें भैया कमाता है, क्या करें पिताजी हैं, क्या करें पति देव हैं, इसलिए वो मजबूरी में कुछ बोले नहीं। लेकिन ईमानदारी से कहें, यदि ये बहने गाली देने लगे ना तो तुम एक क्षण बर्दाश्त नहीं करो, यदि ये पुरुष संबंधी गाली देने लगे एक क्षण बर्दाश्त नहीं करो, एक क्षण।
इतना कहकर के बहुत कुछ कह दिया है, समझ लेना सारी बात। और यदि आपको गालियां छोड़ना हो तो अपने घर वालों को बोल दो कि हम देव हैं तो आप जरा याद कर दिया करो, ठपका दे दिया करो, टोका लगा दिया करो, तो हम समझ जाएंगे। शोभा की बातें नहीं है। बच्चों को एक्साइट होकर के घर में गालियां देना माँ बाप के सामने अथवा बहनों के सामने, ये कोई शोभा की बात नहीं है। बस समझ लेना, इससे ज्यादा कहना नहीं चाहते हम। ये सील का दूषण है, इसमें सील का दूषण। किसी की मजबूरी का इतना लाभ मत उठाओ, बहनों की महिलाओं की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। ये दुख जिस पर बीतते हैं ना उसे खबर पड़ती है, ऐसे तुम पर बीतेंगे तब खबर पड़ेगी। क्यों, पहले कौन मोक्ष में जाएगा? पत्नी की पति कौन जाएगा? कौन जाएगा पहले मोक्ष में? आता है ना मोतीचंद भाई का, श्रीमद जी का प्रकरण में आता है ना, श्रीमद जी ने लिखा है कि वो रोटी देर से लाई, भोजन देर से लाई, तो वो नाराज होने लगा, इतनी देर कर दी तुमने। तो श्रीमद जी ऊपर सेकंड माला पे सुनते थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे सुनते थे, तो उनने उसको बुला के कहा कि तुम्हें खबर न थी, तुम्हारी पत्नी तो चार भाव में मोक्ष जाने वाली है। नहीं, इतना सुनते से ही तो क्या हुआ। हम फिर कहते हैं जैनों की अहमियत अस्तित्व गरिमा बहुत ऊंची है। असल में तुम्हें उसकी खबर नहीं थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा आज तक। लेकिन आज के बाद विचार कर लेना कि हमें भगवान बनना है, हमें भगवान तत्व अच्छा लगता है। अरे क्या मालूम हमसे पहले पत्नी मोक्ष में चला जाएगी, बच्चा मोक्ष में चला जावे, कि कौन मोक्ष में चला जावे, बहू मोक्ष में चली जावे कि सास चली जावे, सब एक दूसरे को हमसे पहले मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसा देखो, इसके बाद कोई पाप रहने वाला नहीं है। बात तो मैं क्या ले रहा था, वो समय, एक समय इतना सूक्ष्म है कि खबर नहीं पड़ती। वर्तमान समय खबर पड़ती नहीं है, वो केवली क्रम में है। अभी मेरे को जहां से शुरू की थी वहां से सुनो। एक द्रव्य में अनंत गुण, अनकाउंटेबल, हमारे ज्ञान का विषय नहीं, बराबर। और एक द्रव्य में अनंत गुणों का अनंत पर्याय, एक एक गुण की पर्याय, गुणों का परिणमन है ना, गुणों का परिणमन, गुणों का कार्य, तो एक गुण की एक पर्याय, समय सूक्ष्म, ऐसे एक द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में, कितना सूक्ष्म है। अभी मुझे आप ये समझा दो, जिन लोगों को ये तकलीफ है कि हमें पर्याय की दृष्टि है, हम पर्याय में अटके हैं, हम पर्याय में भटक रहे हैं, अनाधिकार से पर्याय में लगे हैं, तुम्हारी ये बात सिद्ध कहां हो रही है? प्रूव करो, प्रूव, ऐसी बकवास मत करो हमारी पर्याय दृष्टि है, करके बताओ ना, पर्याय कहां, कौन सी पर्याय में दृष्टि, बोलो कौन सी पर्याय में दृष्टि, पहले सिद्ध तो करो न्याय की भाषा में। एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और वो भी सूक्ष्म एक समय, तुम कौन से गुण की पर्याय में अटके हो बताने जरा, ईमानदारी की बात चल रही है। हो ये तो व्यवहार से कह देते हैं कि तुम पर्याय में अटके हो, पर्याय में अटके हो, अल्प ज्ञान में संतुष्ट थी गया, क्रिया कांड में संतुष्ट थी गया। ध्यान से सुनना, काम की बात चल रही है। अभी मैं परद्रव की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पुद्गल द्रव की, धर्म अधर्म आकाश काल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो जीव द्रव्य अपने कौन सी पर्याय को करे, ये प्रश्न है। फिर से सुनना, सब अपनी पर्याय में तो सुधार करना है ने, अपने परिणाम तो सुधारना है ने, अपना विकल्प तो सुधारना है ना। तो मेरे को पहले नंबर एक सिद्ध करो, अब पर्याय की परिभाषा पढ़ के सिद्ध करो कि तुम जिस पर्याय को सुधारना चाहते हो वो तुम्हारे ज्ञान का विषय भी है कि नहीं है। नहीं आया समझ में? एक ब्रह्मचारी को बहुत चिंता कि साहब मेरे लड़कों को तो मुझे सुधारना है, नहीं मुझे अपने बच्चों को सुधारना है। ये तो पंडित, तुम्हारे कौन से बच्चे कि है ना इतने सारे हैं तो सही, कि तुम तो कह रहे हमारे, तुम्हारे कौन बच्चे हैं? पहले तुम्हारा बालक तो हो, ब्रह्मचारी का बालक तो हो, सुधारे किसको?
घर में बालक हो तो सुधारे, लेकिन बालक ही नहीं हो तो कैसे सुधारे। दृष्टांत, ऐसे पहले तुम्हारे ध्यान में कोई पर्याय आती भी है कि बकवास कर रहे हो? देखो सूक्ष्म बात हो, गुणों के कार्य को। अभी शुद्ध अशुद्ध की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो बात ही नहीं, कल रात में होगी इसकी चर्चा। अभी तो गुणों का कार्य है, एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय। एक सूक्ष्म समय में, एक समय में अनंत पर्यायों को सिद्ध भगवान जानते हैं, अनंत भगवान जानते हैं, इसके नीचे कोई नहीं जानता। तुम किस में सुधार करना है? देखो कितना सरल हो गया जैन शासन, कितना सरल हो गया। तुझे पर्याय को सुधारना ही नहीं है, तू पर्याय को देखा ही मत, तू पर्याय को बदलने की चेष्टा ही मत कर। इसका नाम जैन दर्शन और इसका नाम पर्याय दृष्टि। टूट गई, एक परिणाम को फेरफार करने की दृष्टि छूट गई। कल रात्रि में आई थी ना, क्रोध छोड़ने का क्या उपाय है? कि क्रोध हमें छोड़ना ही नहीं है, ये उपाय है। ये नहीं कहा कि करना है क्रोध, करना ये नहीं कहा, क्रोध छोड़ना ही नहीं है। छोड़े कौन? खबर पड़े तो छोड़े ना, कहां है क्रोध, कहां है? और एक बात समझ लो, तुम्हें क्रोध के नाम पर तो जिसे तुम क्रोध जानते हो उसे जैन दर्शन क्रोध नहीं कहता। सभी लोग सुन लेना, जिसे आप क्रोध कहते हो उसे जैन दर्शन पुद्गल की परिणति कहता है, जड़ की क्रिया कहता है। ये भाषा ये जड़ की क्रिया है, आंखों का लाल होना ये जड़ की क्रिया है, और हाथ का ऐसा होना ये पुद्गल है, पुद्गल हो ये तो पुद्गल की क्रिया है। तो फिर क्रोध किसको कहते हैं? यदि गाली नहीं देने का नाम क्रोध जीतना हो तो पेड़ों को गाली नहीं देते हैं, वायु गाली नहीं देती है, अग्नि गाली नहीं देती है, तो फिर क्रोध जीत गए ना? नहीं, तलवार नहीं चलाते हैं, युद्ध नहीं करते एक इंद्री वनस्पति आदि, तो फिर जीत गए ना क्रोध। और एक छायिक समकिति है, छायिक समकिति भरत चक्रवर्ती ने सगे भाई पर चक्र चला रहे हैं, क्रोध किसका नाम है? यहां कहते हैं भगवान को उसको अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। और जो ये लड़ाई झगड़ा दिख रही है इसका नाम क्रोध नहीं है, अंदर में आत्म स्वरूप की मग्नता नहीं होना ये क्रोध है। आत्मा की अरुचि ये अनंतानुबंधी क्रोध है, आत्मा से शत्रुता ये अनंतानुबंधी क्रोध है, बार बार पर्याय की रुचि करना ये अनंतानुबंधी क्रोध है। पेट खोल के कहूं कि बंद ही रहने दूं, पेट खोल दूं कि बंद रहने दूं, तकलीफ तो नहीं होगी? होगी तो सही, मैं पहले कह रहा हूं होगी तकलीफ। सम्यक दर्शन क्या रे थसे, ये अनंत क्रोध है। अब रहे नहीं, नहीं पहचानी ताकत है। जब सम्यक दर्शन का नाम ले ले तो आपको एकदम बेचैनी हो जावे, अरे रे क्या कहते हो पंडित जी, लेकिन पर्याय की रुचि ये अनंतानुबंधी है। तकलीफ है? मैं समझ गया, चेहरे देख के लग रहा है, सुनना तो पड़ेगी, बात तो सच्ची है ना। एक पर्याय की रुचि में ध्रुव भगवान, अनंत गुणों का प्रभु गोदाम। अरे रे अनंत गुण, अनंत शक्ति, आनंद का धाम, ऐसे अनंत गुणों की विराजना में अनंत क्रोध है, है? बोलो, तुम शुद्धात्मा को ध्रुव भगवान को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते, इसका नाम अनंत क्रोध है। और उस पर्याय के चक्कर में, देखो कौन सी पर्याय के चक्कर में, जो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, जो अनंत गुणों की अनंत पर्याय है वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं आती, उन पर्यायों की दीवानगी में अनादि अनंत एक रूप अनादिकाल से शुद्ध, अनंत काल तक शुद्ध रहे, अनादिकाल से अनंत गुण, अनंत काल तक अनंत गुण रहे, ऐसा मोटा भगवान। उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या, ये अरुचि, ये अरुचि। पर्याय के चक्कर में ध्रुव भगवान की अरुचि, इसको अनंत क्रोध कहते हैं। ये तो मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि ये इसका हवाला गुरुदेव है हमारे पास, ये गुरुदेव श्री ने खोला है, नहीं ये बात तो 50-60 साल पहले तक कोई जानता ही नहीं था। ग्रंथों में थी ये बात, हम तो इसी को क्रोध मानते थे। पंडित जी हमें गुस्सा बहुत आता है, पंडित जी गुस्सा बहुत आता है, अरे इसे गुस्सा ही नहीं कहते हैं,
शास्त्र की भाषा में कहें इसे, शास्त्र की भाषा में एक एक तो समझ ही गए क्या कहते हैं इसको, पुद्गल का परिणमन। दूसरा शास्त्र में कहते हैं यह सविपाक निर्जरा है। सविपाक, सविपाक समझते, अब नए लोगों को नहीं आए ऐसे। सविपाक निर्जरा ज्ञानी अने अज्ञानी दोनों के लिए, ज्ञानी को भी, ज्ञानी को भी, अज्ञानी को भी, मिथ्या दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि को भी। सविपाक माने पाक, पाक फल देकर खिरना, फल देकर खिरना, जैसे रामचंद्र जी का रावण से युद्ध, यह उनका क्रोध नहीं था, ये उनके कर्म बंधे थे, उनका इस तरह फल रूप बनकर खिरना, समय आने पर पककर खिरना। अभी समझ में नहीं आया, मैं समझाऊं थोड़ा सरल दृष्टांत से। कभी कभी अपने को टेंशन हो ना, टेंशन टेंशन, तो उस टेंशन को रिलीज करने का एक उपाय है कि किसी पर आप अपना गुस्सा उतार दो। देखा है, देखा है? नहीं, अपन मार्केट में तकलीफ पाई हो तो घर आके, घर आके पत्नी पे बरस जाओ, इतनी चैन मिलती है, अब शांति से बैठो। इसको आपकी भाषा में मालूम क्या बोलते हैं, हिंदी में, हिंदी में, गुजराती नहीं मालूम, हिंदी में भड़ास निकाल दी। यदि मुझे कोई तकलीफ हो ना, टेंशन, तो इधर आके आप पर भड़ास निकाल दू, मास्टर जी बच्चों को जाके पिटाई कर देंगे, नहीं हो जाता है? अब बच्चा बेचारा सीधा साधा, सब अच्छी बात, लेकिन गुरु जी आज पत्नी से झगड़ के आए ना। तो वहां करके सुबह 10-11 बजे बॉस आया ऑफिस में, उन्होंने पत्नी से सुबह सुबह मूड खराब, आप ऐसे क्लर्क पे बरस गया, ये फाइल है, ये काम नहीं करते हैं, काम चोर हैं, मक्कार हैं, अब इतनी शांति मिलती है, अब ठीक है। ये मैंने इतनी दर्शना दे दी, 3-4 मैंने, इस सविपाक निर्जरा है, अंदर में जो भरा हुआ था ना वो निकल जाता है, निकलने के बाद बड़ी शांति लगती है। इसका मतलब उल्टा अर्थ मत ले लेना आप लोग, हाँ ये अच्छा रहा था क्या, अब हम सविपाक निर्जरा करते रहेंगे। सविपाक निर्जरा होना अलग बात है, और उस सविपाक निर्जरा में आनंद मानने में अनंत कर्मों का बंध है। रिलैक्सेशन नहीं हो, रामचंद्र जी को इतना युद्ध करने पर भी एक सीलबान सीता को बचाने के लिए करोड़ों सीताओं को विधवा कर दिया, एक सीलबंती सीता के सील की रक्षा करने के लिए करोड़ों सीताओं को विधवा कर दिया। लेकिन जब रावण का मरण हो गया तब सारी नगरी के लोग और रावण का भाई विभीषण आदि सब चरणों में आ गए कि आपने चूंकि रावण को जीत लिया है, इस युद्ध के न्याय से अब इस नगरी के राजा आप हो, इसलिए आप हम पर राजा राज्य करो, हम पर शासन करो आप। रामचंद्र जी बोले, हमारा युद्ध का आशय ये नहीं था, हमने राज्य जीतने के अभिप्राय से युद्ध नहीं किया, इसलिए राज्य मेरा नहीं है, मैंने तो अपनी सीता की रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा करना, एक कुटुंब में, गृहस्थी में एक रक्षा करने का नियम है, इसलिए हमने किया है, हमें तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए, और छोड़ करके चल दिए वापस। हम क्या करते, तुम तो कहते थे तो बहुत बढ़िया, हम तो कह भी नहीं रहे, यही आके बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं, यही बोल रहे ना। आपको विश्वास नहीं होगा, एक वस्त्र, एक चीज लेकर नहीं चले वहां से, एक आइटम की, सोना चांदी हीरा माड़ी कुछ तो ले चलो, दिखाएंगे अपने देश में चल करके अयोध्या में कि देखो रावण को जीता है हम, ये लाए, ये लाए, ये लाए, रावण का मुकुट लाए राजा का, कुछ नहीं, मात्र सीता राम और लक्ष्मण तीनों जैसे आए थे वैसे चल दिए वापस। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए रामचंद्र जी को इतना युद्ध करने पर भी कर्म बंद नहीं हुआ, सविपाक निर्जरा हुई। और हमको तो जो मजा आ रहा है, नहीं हम तो ले लेंगे, इसमें अनंत कर्मों का बंध हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं सोचता हूं कि आप मेरे इस चर्चा से किसी प्रकार की छूट ले लोगे कि सर ये अच्छा उपाय बताया सविपाक निर्जरा का, कि कभी पत्नी का सिर फोड़ो, कभी बच्चों का सिर फोड़ो, है ऐसे नहीं करना, इसमें से कोई स्वच्छता नहीं, स्खलना ग्रहण नहीं करना, ये तो सच्ची बात ही नहीं, इसलिए बताई, मुझे बताना था कि आत्मा की अरुचि का नाम अनंत क्रोध है। जैन दर्शन का फर्स्ट क्रोध, फर्स्ट
आत्मा की अरुचि ये फर्स्ट क्रोध है अनंतानुबंधी। अप्रत्यक्ष ज्ञान क्या है कि 15 दिन के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव नहीं करना, 15 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव करना, 15 दिन के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव नहीं करना, ये अप्रत्यक्ष ज्ञान क्रोध है। और अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव नहीं करना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्रोध है। और निरंतर आत्म स्वरूप में मग्न नहीं रहना, ये संजुलन क्रोध है। मैं सोचता हूं आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैंने जो पढ़े लिखे उन्हें तो समझ में आ गई होगी। यदि इसको हम क्रोध नहीं गिने तो पेड़ों को अक्रोधी कहना पड़ेगा, लेकिन पेड़ को भी आत्मा की रुचि नहीं है, इसलिए अनंत क्रोध है। और अन्य जातियों के जीवों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो हम उन्हें फिर क्रोध रहित कहना पड़ेगा। पशु पक्षी परिग्रह नहीं जोड़ते तो उनको अपरिग्रही कहना पड़ेगा। जो नपुंसक है नपुंसक उनको ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। जिनके पास परिग्रह नहीं उनको मान कसाय नहीं कहनी पड़ेगी, लेकिन जैन दर्शन तो कहता है उनको मान कसाय है, उन्हें क्रोध कसाय है, उन्हें लोभ कसाय है। लोभ लोभ सुना दो, कोई बात नहीं, अब तो सुबह सुबह की बात है ना, शाम थोड़ी, अभी सुबह सुबह है, थोड़ा गरिष्ठ भी, थोड़ा गरिष्ठ बुरा नहीं मानना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं समझ में आए तो हमारी बात हमको वापस दे देना, ये समझना पंडित जी ने वापस ले ली, लेकिन मिसिंग नहीं करना हो। लेकिन जैन दर्शन का उत्कृष्ट हृदय बता रहे हैं हम आपको। अभी तक सारी दुनिया को इस बात की चिंता है कि हमें पैसे का लोभ है, कपड़े का लोभ है, इज्जत का लोभ है, फला का लोभ है, लेकिन मुमुक्षुओं को अनंतानुबंधी लोभ किसको कहना, कि सम्यक दर्शन की पर्याय क्या रे थसे, सम्यक दर्शन की पर्याय की चाह यह अनंतानुबंधी लोभ है। केवल ज्ञान क्या रे थसे, अरे रे कब हो ओ, केवल ज्ञान की पर्याय का आकर्षण अट्रैक्शन चाह, इसका नाम अनंतानुबंधी लोभ भगवान कहते हैं। नहीं गड़बड़ हो जाए, मैंने पहले ही कहा था पेट मत खुलवाओ बंद पेट में मजा आता है, लेकिन खुले पेट में बहुत तकलीफ है। पज्जय मूड़ा ही पर समय, पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, पर्याय की चाह नहीं करना, पर्याय चाहने से नहीं मिलती, ये सुनना सरल है, बहुत सरल है, लेकिन जब मैं उसे अनंतानुबंधी लोग कहूं तो घबरा जाता है जी। अब मैं एक बहुत सरल बात कहता हूं, बहुत सरल बात, सकर मिठास का पिंड है, कौन मूर्ख ऐसा होगा जो सकर से ये डिमांड करे कि हे भगवान नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम आज सकर में से मिठास झरे। नहीं समझ में आया, मिठास निकले क्यों, हे भगवान हमारे पाप का उदय नहीं आ जावे, हे भगवान पाप का उदय नहीं आ जावे, कहीं सकर में से दूध मीठा नहीं हुआ तो, ऐसी चाह हुई है किसी को? ध्यान से सुनना, वस्तु का स्वभाव जानने के बाद चाह मिट गई, इसका नाम अनंतानुबंधी लोभ मिट गया। वस्तु के स्वरूप को जानने, बोलो शक्कर की मिठास कौन चाहता है, सूर्य में से उष्णता कौन चाहता है, फूल में से सुगंधी कौन चाहता है, भगवान एक कौन सा फूल है, केवड़ा का फूल, गेंदा का फूल, अरे प्रभु इसमें से खुशबू झर जावे, बोलो बोलो। जो आत्मा सुख से निर्मित है, सुख से बना हुआ है, वो सुख की चाह कैसे करें, जिसने अपने को सुखमयी देख लिया कि रोम रोम चप्पा चप्पा पर सुख है, सुख से ही बनाई लक्ष है, वो सुख कौन मांगे। इसलिए सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग प्रकट हुआ, निकांक्षित उसे कांक्षा ही नहीं रही सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की, किसको किसको किसको, सम्यक दृष्टि को कि नहीं, जिनको सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की कांक्षा नहीं रही वे सम्यक दृष्टि हुए, और जिन्हें सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की कांक्षा है उनकी तो पर्याय दृष्टि है। पहले पर्याय दृष्टि तो मिटाओ, बहुत आज कठिन हो ही बात है ना, बहुत सरल है, तुम तो चिंता ही नहीं करो, ये तो इन क्या कह जरा ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना उनको बताना पड़ रही है, नए पढ़े लिखों को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों तुम्हें सच बताओ, ए विनय 3 दिन में कितनी बार विचार आएगी अब सम्यक दर्शन जरूर लेना है, नहीं आया, देख ईमानदारी की बात है बिल्कुल,
क्यों विवेक कितनी बार आया तुम्हें? जब तो मुझे ध्यान लगाना है, आज तो आत्मा की अनुभूति करके ही उठना है, बहुत बहुत जोरदार है सम्यक दर्शन तो लेना ही है। कहाँ आया बोलो? ध्रुव भगवान की मस्ती, ध्रुव ध्रुव भगवान आत्मा की आया, परिपूर्ण हो, ये मस्ती के सिवा कुछ चल रही हो तो बोलो। अभी लोग बताते हैं मेरे को आकर कि साहब दिन भर कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल अंदर अंदर क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं पड़ रही क्या हो रहा है। मैंने कहा यही तो रोमांच है जिसे तुम ढूंढते फिरते थे, यही तो रोमांच है और यही तो अतीन्द्रिय परिणति है। कोई कान में से नहीं आ रहा है रोमांच, ये नाक में से नहीं आ रहा है, आंख में से नहीं आ रहा है और जिब्बा में से नहीं आ रहा है। अभी एक भाई बताते थे सेलेस वगैरह, कह लगे साहब आजकल तो एक सीरियल आता है शाम को 9 से 10, वो कर्फ्यू लग जाता है सड़क पे, कर्फ्यू सड़क पे, मैंने ये लोग वो छोड़ के आ रहे हैं, ये आश्चर्य है। कहीं कहीं आश्चर्य नहीं है, कुछ आश्चर्य नहीं है, क्या आश्चर्य है? अब मैं पूछता हूं बताओ तो ये रोमांच नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये अतीन्द्रिय नहीं है? आत्मा अतीन्द्रिय, द्रव्य अतीन्द्रिय, गुण अतीन्द्रिय और उसकी पर्याय अतीन्द्रिय होती है भाई। अतीन्द्रिय अब तो कठिन नहीं पड़ रहा ना, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय मन इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रिय रहित। बोले बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है। फिर से क्या कहा था, कौन सी पर्याय में अटके हो, कौन सी पर्याय करनी है? वो क्रोध तो समझ गए ना, अनंतानुबंधी क्रोध। अब अनंतानुबंधी क्रोध रोको, पहले में पहले कौन सा क्रोध रोकना है आपको? अनंतानुबंधी रोकने का उपाय बताऊं? अभी अपन लोग इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, सच कहता हूं, अभी मैं नाम नहीं लेता हूं, भरी सभाओं में जब ये प्रश्न आता है कि हम क्रोध कैसे रोकें, तो तथा मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए ना सारा, इतनी समझ लो। वे कहते हैं कि ठंडा मटके का पानी पियो, मौन ले लो, दूसरे कमरे में चले जाओ, आंख बंद कर लो, ये क्रोध जीतने का उपाय है। ठंडा पानी पी लो दो गिलास, थोड़ी 2 मिनट मौन ले लो, नौ बार नाम का आनंद पढ़ो, क्रोध चला जाए। पर्याय का स्वरूप जाने बिना क्रोध नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल ये अच्छी तरह समझ लो। पहला क्रोध जैन दर्शन में कहते किसको है, असली क्रोध की बात चल रही हो, ये व्यवहार से इसको भी क्रोध कह देते हैं, गुस्सा आना, मारना, पीटना, झगड़ा करना, ये कोई अच्छा नहीं है, इसको भी बुरा कहते हैं, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, क्योंकि आत्मा तो पकड़ में आता नहीं, जनरल लोगों को आत्मा तो पकड़ में आता नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, उनको ये आत्मा का क्रोध कह भी तो नहीं समझे। तो पहले नंबर तो व्यवहार से उसको ऐसा कहते हैं, तुम गुस्सा करते हो, अरे क्यों क्रोध करते हो, अरे क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, अरे क्यों, अरे चलो चलो चलो, अभी मंदिर में आया उसको बताया, अरे प्रभु सोन ये क्रोध किसको कहते हैं, आत्मा की अरुचि ये क्रोध है। तो क्रोध रोकने का उपाय कि आत्मा की रुचि करो, रुक गया ले आनंद क्रोध, रुक गया आनंद क्रोध, आनंद क्रोध रुक गया, अब तो समझ गए ना सारे में सारी बात। अभी और आएगी चर्चा, अभी घबराना नहीं, अभी मैं सब लेने वाला हूं, कुछ छोड़ के बाकी नहीं जाऊंगा, इस बार आपको पूरा करके जाना है ताकि आपको अगली बार नहीं बुलाना पड़े। नहीं सच्ची बात है, अगली बार का क्या ठिकाना, हम रहे ना रहे, तुम रहे ना रहे, इसलिए आज का काम आज, कल का तो छोड़ना ही नहीं है अपने को। चलो बसंत में आ गए, आगे चलें। अभी देखो मान के चलो हम पर्याय में कुछ कर सकते होते, पर्याय में कुछ चेंज कर सकते होते तो सम्यक दर्शन असंभव हो गया होता, क्योंकि अनंत कौन है, हमें तो नाम भी नहीं मालूम, और अनंत पर्याय एक समय में है, एक समय में अनंत पर्याय को सुधारने कैसे जाएं हम, बोलो आप। दो तकलीफ, एक तो पूरा ज्ञान नहीं अनंत गुणों का, एक तकलीफ, दूसरा एक समय में अनंत पर्याय और वो एक समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं, एक समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं और अनंत कार्य, अब हम कौन से कार्य को सुधारने जाएं? यदि पर्याय में हेर फेर करने की करके सम्यक दर्शन होता तो ये असंभव हो गया होता। चलो अच्छा ही हुआ प्रभु, आज से हम प्रत्येक पर्याय के प्रति निश्चिंत हो गए, ये निश्चिंतता का नाम पर्याय दृष्टि छूट गई, अब हमें कुछ नहीं करना।
कितनी बार समझ में आ गई? आगे चले तो परिणाम तो सुधारना चाहिए ना। लिखा है टोडामल जी ने लिखा है, परिणाम बिगड़ने सुधरने का भय रखना। टोडामल जी ने लिखा है परिणाम सुधारने का उपाय रखना, परिणाम नहीं बिगड़े ऐसी चिंता रखना। कल भी भाई पूछते थे, सभी का चिंतन है, सभी का प्रश्न, पंडित जी मंदिर में भी खोटा भाव क्यों हो जाता है? समझ गए ना, थोड़े में सब समझ लेना। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि गुस्सा आवे, फिर आता ही क्यों है? पंडित जी हम तो बहुत सोचते हैं कि अपने को सादा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ऐसे नहीं करना चाहिए। पंडित जी ऐसा क्यों होता है कि हम खाने बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं और फिर हैं क्यों? उपवास के दिन, ऊनोदर के दिन, ऊनोदर समझते हैं, एकासन व्रत, दूनोदर करना चाहिए, डबल खाना चाहिए कि आधा खाना चाहिए? वैसे 24 घंटे में एक बार भोजन करना है, एकासन एकाशना व्रत, कितना खाना चाहिए उस दिन? है आधा पेट, ऊनोदर, ऊनोदर माने पेट से कम, ऊनोदर माने पेट से कम, है ना? लेकिन तो सादा सादा, लेकिन होता उल्टा है। आज आठ खांडनी खीर बनाओ, हलवा सीरा मांडो और बना लो कुछ, और फिर आराम से बैठ करके पानी के साथ थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते करते नहीं करना चाहिए ना, लेकिन देख लेना आप करोगे अभी। पंडित जी फिर करते ही क्यों हैं? अब आपका प्रश्न, एक प्रश्न तो समझ गए ना मेरा। टोडरमल जी कहते हैं कि परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखना, इसका उत्तर देना है मुझे, अच्छी तरह से समझना। परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखने का मतलब है कि तुम अपने को अपरिणामी देखना, ये परिणाम अपने में नहीं देखना, ये परिणाम मैं सुधार सकता हूं ऐसा अपने में मत देखना, इसका नाम परिणाम सुधारने का उपाय रखना। नहीं समझ में आया हमें मालूम, नहीं समझ में आया, मैं अभी समझा देता हूं। हमारे गांव में, गांव माने हमारे साइड जाए, इनका घर भी है, कौन नाना रहते हैं चंदेरी में, कौन रहते हैं नाना, इनके नाना जी रहते हैं चंदेरी में। चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस रही है पुराने समय से, चंदेरी की साड़ी, माने जे जमाने में कहीं सिल्क की साड़ी नहीं चलती ने, वो उस समय वो चलती थी, उसकी बहुत विशेषता थी, बहुत बहुत कीमती, 10,000 रुपया की एक साड़ी उस जमाने में, अभी तो बहुत महंगा हो, अभी तो है भी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, माने ऐसी उस साड़ी की ऐसी विशेषता। तो जनरली ऐसी साड़ियां खरीदी नहीं जाती, बेची नहीं जाती, लेकिन लड़की की शादी हो भी ना, लगन हो भी, और कोई करोड़पति हो भी, तो वो ऐसी चंदेरी की साड़ी उसको शादी में रखते हैं, उसमें शादी में। तो साड़ी तो बहुत कीमती है, तो वो माँ ने उस बेटा को, बेटी को भलामण करी, क्या सिखामण, उसको बोला कि बेटा ये सूट के संभाल के ले जाना, क्या करने का है, सूटकेस जरा संभाल के ले जाना ये सूटकेस। तो उसने कहा कि मेरी माताजी ने सिखामण आप ही है तो कोई गजब कोई बात है, अपने को तो ब्लाइंड फॉलोवर की तरह आ गया मानना और उसने क्या किया कि कहीं मम्मी का मतलब ये है कि कहीं कोई इस पर बैठ नहीं जाए, कहीं कोई हाथ नहीं लग जावे, कहीं सूटकेस पर स्क्रेच नहीं आ जावे स्क्रेच। सो उसने वो चंदेरी की साड़ी निकाल करके बढ़िया उसकी पैकिंग बनाई। क्या करा विनय? वो चंदेरी की साड़ी निकालकर उसको बढ़िया पैकिंग किया और फिर वो लेके गई और रास्ते में चंदेरी की साड़ी फट गई। फिर उसने माताजी को फोन किया वहां से, माताजी सूटकेस बराबर आ गया है, चिंता नहीं करना। बोले बेटा वो सब सामान तो सही निकला ना, कि माताजी चंदेरी की साड़ी फट गई। दृष्टांत समझिए क्या कहना है, जिस साड़ी को संभालने के लिए सूटकेस की सुरक्षा कही थी, तुमने उस सूटकेस की सुरक्षा में साड़ी खराब कर दी। हमने जिस अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा, आनंद गुणों का पिंड भगवान आत्मा की महिमा करने के लिए ये कहा था कि ये सूटकेस संभाल के रखना, समझ गए? ऐसा नहीं हो कि ये सूटकेस कहीं भी खावे नहीं, कहीं भी कुछ हो गए, हमने तो इसलिए कहा था। और अब तुम सूट के संभालने लगे और भगवान आत्मा रह गया, जिस उपयोग में भगवान आत्मा का आनंद होना चाहिए था उस उपयोग को तुमने इसमें बर्बाद कर दिया।
जिस उपयोग को भगवान आत्मा में लगाकर आनंद करना चाहिए था, उस उपयोग को पर्याय को देखने में, पर्याय को संभालने में, पर्याय को बदलने में लगा दिया। इसका नाम पर्याय, परिणाम सुधर गया। अच्छा चलो, तो वो कैसे सुधारती है, वो सूटकेस कैसे संभालना था उसको, सूटकेस कैसे संभालना था बताओ तो, कि बेटा एक बार सूटकेस में कुछ हो जाए लेकिन अंदर का माल प्रॉपर रहे, यही मतलब था ना। ऐसे ही परिणाम सुधारने का मतलब ये था कि तू पर्याय की चिंता छोड़ देना, परिणाम की चिंता छोड़ देना। एक बार परिणाम का कुछ हो जाए तो गम नहीं, गम नहीं, लेकिन अपने को कम मत देखना। पर्याय में कमी हो तो कोई गम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं ये देखना। लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा सब परिणाम तो सुधरने चाहिए ने। कौन सा परिणाम सुधार रहे बोलो, कौन सा परिणाम? पहले परिणाम मालूम है तुम्हें, परिणाम, परिणाम किसको किसको कहते हैं, परिणाम पहचानते हो, परिणाम पहचानते हो? हाथ तो खड़ा करो, हम परिणाम पहचानते हैं। जिसे तुम परिणाम कहते हो उसे हम परिणाम नहीं कहते। अब बता देता हूं सोना, तो फिर जिनवाणी में लिखा था परिणाम बिगड़ते हैं, हाँ बराबर लिखा है, समझ लो अच्छी, परिणाम बिगड़ते हैं। उसका मतलब यह है कि तुम पर्याय को देखते हो और अपने में कमी देखते हो, ये बिगड़ गया। हमारा लड़का मित्रों की बातों में आकर और पापा में कमी निकालने लगे तो हम कहते लड़का बिगड़ गया। हालांकि लड़के ने सिगरेट नहीं पी, हालांकि लड़के ने कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन वो जब घर आता है, पापा तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करते ही नहीं हो तुम तो हम ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिगड़ गया। तो लड़का सुधारने के लिए क्या करना था, कि उसे अपने पापा में कोई कमी नहीं देखनी चाहिए थी। दृष्टांत है, तो ऐसे ही परिणाम किसे सुधरना कहें, परिणाम किसे सुधरना कहें, कि जिसे परिणाम की चिंता नहीं रही। अपरिणामी क्या है, भगवान देखता है, परिपूर्ण देखता है, इसका नाम परिणाम सुधर गया। एक बात, इसके बाद जो कुछ सुधरना है वो अपने आप सुधरता है, एक दिन में नहीं सुधरा करता। चारित्र में क्रम है, चारित्र में क्रम है। सिगरेट पीने वाला जानता है कि सिगरेट बुरी चीज है, लेकिन वो एक सेकंड में छोड़ देवे ऐसा संभव नहीं हो पाता है। पहले वो 20 पीता होगा तो 19 करेगा, 18 करेगा, 15 करेगा, 14 करेगा, 13 करेगा, 5 करेगा, एक दिन आकर के छूट जाएगा। ये चारित्र का क्रम है, वो चारित्र का सारी मनोविकृति एक दिन में नहीं जाती। हम भगवान है तो साहब फिर विकल्प क्यों आते हैं कि आएंगे? तो हम उन विकल्पों की चिंता करके अपना परिणाम खराब नहीं करना। अपना परिणाम मने क्या, एक भगवान देखते रहना, उसमें कमी मत देखना, तो तुम्हारा परिणाम सुधर गया। तो समझ में आ गया ना, कुछ कठिन तो नहीं पड़ रहा अभी, कठिन है क्या? परिणाम की चिंता ही नहीं, विकल्पों की चिंता ही नहीं, पर्याय की चिंता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं। तुम बदलो किसको? ए गजब बात चल रही है, जब हम अपना ही परिणाम नहीं सुधार सकते तो दूसरों का परिणाम कौन सुधारे? गुरुजी को शिष्यों की चिंता है, शिष्यों को गुरुजी की चिंता है, पिताजी को पुत्र की चिंता है, पुत्र को पिता, सब स्वतंत्र हो जाओ आज से, सब स्वतंत्र है। समझ आया कुछ? गुरुदेव श्री को बहुत कहा कि सभा में प्रवचन करा करो, मोतीचंद जी ने, गुरुजी ने, महाराज साहब ने सभा में प्रवचन किया करो। गुरुदेव बोले मैं तो अपने आत्मा के करने के लिए आया हूं, मुझे तो दूसरे किसी को करना ही नहीं है, मुझे किसी को सुनाना ही नहीं है, क्या सुनाऊं, किसको सुनाऊं? अपना करने के लिए मैंने दीक्षा ली है, आ माटे दीक्षा नथी लीधी, प्रवचन माटे, सभा माटे मेरी दीक्षा नथी। बोला कितना कैसा जीवन होगा। समझ आया? अभी थोड़ा और खुलासा टोडरमल जी के शब्दों में करता हूं, अभी टोडरमल जी के शब्दों में। टोडरमल जी ने लिखा है, सुनना जरा, जब तुम्हें एक परिणति में राग ना हो और एक परिणति में द्वेष ना हो, इसका नाम वीतरागता है। फिर से कहूं, किसी परिणति से राग, किसी परिणति से द्वेष, इसका नाम राग द्वेष। नहीं आया हुआ समझ में, जान रहा हूं, लेकिन अभी सरल करता हूं। पहले शब्द दो तीन बार बोल दूं तो जरा समझ में आवे। समझे क्या कहा? किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष, इसका नाम वीतरागता नहीं है।
फिर से सुनना, किसी भाई से राग, किसी भाई से द्वेष, ये नहीं कहा। किसी शरीर से राग, किसी शरीर से द्वेष, ये नहीं कहा। रोटियों से राग, शराब से द्वेष, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा। वो गजब बात कहना, ध्यान सुनना, बाहर की तो बात ही नहीं करी, अपनी ही परिणति में मिथ्यात्व से द्वेष और सम्यक्त से राग, इसका नाम वीतरागता नहीं है। मर गए पंडित जी, क्या कर रहे हो, थोड़ी रहम करो, रहम क्या, पंकज को तो तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में ही नहीं आई होगी क्या कह गए। मैं सच बात कहता हूं, पढ़ लेना, किसी परिणति से राग, किसी परिणति से द्वेष, इसका नाम भीतरागता नहीं है। सातवां अधिकार पढ़ना। और मैं उसका खुलासा कर दिया, असल पेट खोलने की बात है मेरी, लेकिन आप तकलीफ हो गए, मेरे से होनी नहीं चाहिए। आप क्या व्याख्यान करने का, ज्यादा मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे सबूत हैं और इसका नाम भीतरागता है। ज्ञानियों को अल्पज्ञ पर्याय होने पर भी, कल कहा था ना पांच पर्याय, ज्ञान की पांच पर्याय है कि नहीं, ज्ञान की पांच पर्याय है कि नहीं, ज्ञान की पांच पर्याय होती ही नहीं, ज्ञान की एक पर्याय है ध्यानन 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 ध्यानन, बस। श्रद्धा की एक ही पर्याय है, अहम अहम अहम, विश्वास विश्वास विश्वास, श्रद्धा विश्वास विश्वास विश्वास, वो तो सच्ची है, वो तो कहां बुरी है, लेकिन वो पर का विश्वास करती है इसलिए हम उसको मिथ्या कहते हैं, अपना विश्वास नहीं करती इसलिए मिथ्या कहते हैं। लेकिन अहम करना तो उसका काम है ना, ज्ञान का काम जानना वो तो हो ही रहा है ना, दर्शन का काम अवलोकन है तो हो रहा है ना, चारित्र का काम थिरता है, और कहां थिरता है छोड़ो, है ना, क्या गजब बात है। फिर से अभी एक परिणति से राग, एक परिणति से द्वेष, सुनो सम्यक दृष्टि हो गई। 83 लाख पूर्व, अभी नहीं समझ में आए होंगे 83 लाख पूर्व मीन्स क्या, तो 83 लाख बरस कितने होंगे, इतना तो समझ में आता है, जिसकी 84 लाख बरस की आयु हो और 83 लाख बरस तक आदिनाथ भगवान घर में ही रहे, चौथे गुण स्थान में, घर में ही 84 वर्ष की आयु वाले, टोटल एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां, आप 84 लाख पूर्व समझना, और 83 लाख पूर्व में राज्यसभा में बैठे और नीलांजना का नृत्य देख रहे, कौन उसी भाव से मोक्ष में जाने वाले, क्या कहना चाह रहे हैं मालूम, तो अभी उस परिणति से द्वेष नहीं, और अगली पर्याय कब आवे, मुनि दशा कब आवे, ऐसा राग नहीं, ऐसी सहजता का नाम सम्यक दर्शन है। देखो भाई, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, एक टॉप लेवल की चर्चा है बिल्कुल, मैंने कोई इसमें से ऐसा नहीं सोचना कि अब तो अपने को चिंता ही नहीं करना, रात्रि में खाओ आलू बटाटा खाओ और खूब पाप करो, जब बेनीलांजना का नृत्य देख सकते हैं हम, टेलीविजन का नृत्य क्यों नहीं देख सकते, तो हम कहेंगे कि तुम्हारा महादुर्भाग्य है। यदि कोई मारी चीज ऐसा ऐसा जीव हो तो उसकी परिणति ऐसी सोचेगी, यहां तो क्या गजब कहना है कि तुझे वीतरागी भी होना हो तो पर्याय मात्र से विरक्त हो, पर्याय मात्र से विरक्त हो, मैं कौन सी पर्याय की चाहे करूं, अभी बताया था सकर में से मिठास कौन चाहे, चाहे अग्नि में से गर्मी कौन चाहे, है ना, ऐसे सुख स्वभावी भगवान ध्रुव मैं हूं, अब मुझे क्या चाहिए, नहीं एक, एक, एक जयमाला है, जयमाला एक पूजा की जयमाला है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूं, नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, ज्ञान घनचित रूप हूं, है ऐसे देख लेना, मेरे को तो याद रहता नहीं ज्यादा, ऐसा लिखा उसमें, एक कुछ समझ आ रहा है, कुछ कोई बात नहीं, भाव तो समझ आ रहा है, इधर बैठा करो तुम लोग, पीछे बैठते तो मेरी गर्दन दुखेगी, सरल करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, हालांकि बात देखो
ये बात मिल गई और समझ में आ गई तो बेड़ा पार बिल्कुल पक्का। कैसे नए लोगों की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, थोड़े पुराने लोगों की बात है, बाकी नए लोगों को तो इतना पढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी। सच कहता हूं मैं आपको, इन्हें सुनाई नहीं पर्यादृष्टि क्या होती है, पज्जय मुड़ा क्या हो सकता है, सत्तर मोड़ा उड़ी क्या होता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है, अंता कोड़ा कोड़ी है नहीं, शेर को मालूम ही नहीं था, उसने हो गया काम है ही गया, इतने इतने में तो काम हो गया उसका। देखो आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, हम महाभाग्यशाली हैं और हमको बहुत मिल गया है, आओ केवल आनंद करना सीखो बस, सेटिस्फाई होना सीखो, संतुष्ट आत्म संतुष्टि सीखो बस, और सीखो नहीं सचमुच तो आत्म संतुष्ट हो। मैं इसलिए कहता हूं अभी इतने कॉलेज स्कूल खुल गए हैं और इतनी पढ़ाई इतनी एजुकेशन इतना, लेकिन जब भद्रबाहू स्वामी के साथ 24,000 मैया थे 24,000, उनमें से 99% अंगूठा छाप थे। अंगूठा छाप समझते हैं ना, इलिटरल, पढ़े लिखे नहीं थे, न प्राकृत जानते थे, न संस्कृत जानते थे, न पढ़ना जानते थे, न पढ़ाना जानते थे, न प्रवचन करना जानते थे। सिद्धालय में 99.99% तो बेजी मोक्ष में है जे अंगूठा छाप थे, जिनने कभी प्रवचन नहीं किया, जिनने अभी तक 2,500 वर्ष में भी हजारों लाखों मुनिराज हो गए, लेकिन गिने चुने शास्त्र लिखे लेखक मिले, शास्त्र लेखक गिने चुने, लिखने की गरज ही नहीं है, क्या लिखें, किसको लिखें, कौन लिखने से बड़ा हो गए, कौन सुनाने से बड़ा हो गए, मैं तो वैसे ही बड़ा हूं और उसका अनुभव करके मोक्ष में चले गए हैं। इसलिए आप इसको टफ मत समझो, बिल्कुल बिल्कुल कठिन मत समझो, एकदम इजी। कोई कठिनाई हो तो पूछ लेना कि साहब आपके प्रवचन में ये कठिनाई है, मैं जानता हूं शब्दों की कठिनाई होगी, लेकिन श्रद्धा का श्रद्धेय भगवान आत्मा मैं हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बराबर बराबर, कोई तकलीफ तो नहीं है। कौन सी पर्याय को करें, ए अपनी बात है, अभी तो शरीर की तो बहुत दूर गई, स्त्री पुत्र आदि की तो बहुत दूर गई, बिजनेस की तो बहुत दूर गई, अपनी कौन सी पर्याय में करें, एक बात तो समझ में आ गई। आगे चलो, यदि परिणाम सुधारने से सुधरते हो, मान लो परिणाम सुधारने से सुधरते हो, तो पंडित जी हम तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, कोई बात नहीं, लेकिन दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत, 11 अंग और इतना ज्ञान हो जाए, अब 11 अंग में छोड़ दो, अभी मान लो बहुत शास्त्रों का ज्ञान, द्वादश अंग जैसा ज्ञान भावलिंगी, और वे 11वें गुणस्थान तक चढ़ गए, तो पंडित जी हम तो चलो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, वे तो भावलिंगी संत हैं, 11वें गुणस्थान में से नीचे क्यों गिरते हैं, अपना परिणाम सुधारते क्यों नहीं है। लॉजिक दे रहा हूं आपको, जो भावलिंगी है, श्रेणी मांडी है, 11वें गुणस्थान में चढ़ गए हैं, और शास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है कि दो बार चढ़ भी जाएं और छूटने के बाद अनंत भाव रह जाएं, तो साहब ऐसा परिणाम वो करते ही क्यों है, सुधारते क्यों नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि परिणाम सुधारने का काम तुम्हारा नहीं है, सुधारने का काम हमारा नहीं है, हो तुम तो भगवान आत्मा देखो, उस परिणाम को सुधरता कहते हैं हम, तो उस परिणाम को सुधरा हुआ कहते हैं, बस कितनी सरल परिभाषा है परिणाम सुधारने की। बराबर है पंडित जी, 83 लाख पूर्व तक घर में रहने की क्या जरूरत थी आदिनाथ को, कि वो भैया सही पाक नजर आए, वो करें क्या, वो ऐसे ही खिड़ना थे वो कर्म, रामचंद्र जी का युद्ध ऐसे ही खिड़ने थे वो कर्म, तो हम उनका नाम लेकर के स्खलना नहीं करना, शिथिलता नहीं करना अपने जीवन में, और मैं जानता हूं तुम करोगे भी नहीं और कर सकते ही नहीं, यदि तुम्हारा मोक्ष लेट होगा तो स्वच्छंदी होगे, मोक्ष जल्दी होगा तो तुम में से एक भी स्वच्छंदी नहीं होगा, अब मोक्ष लेट हो तो हम क्या करें, हम तो तोड़मल जी ने क्या लिखा है, गदा मिश्री खाने से मरे तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम बिल्कुल कड़क बात कह रहे हैं, आप में से जिसका लेट मोक्ष होना होगा वो तो आज की चर्चा से पाप ग्रहण करेगा,
ऐसा करो। और जो अल्प काल में मोक्ष जाना होगा उनकी परिणति फिरे बिना नहीं रहेगी इस बात से। और मैं कहता हूं इतनी बड़ी सभा में एक भी फिर गई ना, हमारा प्रवचन सार्थक, हमारे गुरुदेव श्री से मिला हुआ तत्व सार्थक हो गया। जाओ, क्योंकि जिसके पास योग्यता ही नहीं है भगवान बनने की, उसे कौन भगवान बनावे? और जिसमें भगवान बनने की योग्यता पड़ी है उसे कौन बिगाड़े? कौन बिगाड़े? कौन? इसलिए मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल, परिणाम कौन सुधारे? हम तो सुधार सकते नहीं, एक अन्यथा नहीं लेना। अब कहता भी जाता हूं, क्या करे, डर भी लगता है थोड़ा सा। सेठ सुदर्शन का कथा सुनी? सेठ सुदर्शन की कथा, सेठ सुदर्शन की कथा, इतने धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा कि कथा पढ़ो तो आपको तो रोमांच ऐसा हो जाए क्या कह रहे हैं। सेठ सुदर्शन नग्न दशा में ध्यान करते और रानी ने उन्हें ऐसे का ऐसा नग्न बुलवा लिया और स्वयं ने भी गंदी क्रीड़ा करने के लिए पूरी प्रवृत्ति कर डाली। 3 दिन तक बारंबार खोटी चेष्टा करी कि तुम मेरे को पत्नी रूपे देखो, इसकी कथा पढ़ने में प्राण निकले अपने। वे शेष सुदर्शन को इतना सा भी परिणाम चलित नहीं हुआ, चलित नहीं हुआ माने ये नहीं लगा कि बहुत अच्छा गद्दा है, बहुत अच्छी खुशबू है, रानी सुंदर है, भली अपनी पत्नी नहीं लेकिन सुंदर है, ये विकल्प नहीं आया। और यही शेष सुदर्शन एक दिन मंदिर गए थे जब शादी नहीं हुई थी और वहां से धर्मात्मा मनोरमा वो मंदिर से आ रही थी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और शुद्ध बुद्ध खो बैठे दोनों ही, और दोनों ही धर्मात्मा शुद्ध बुद्ध खो बैठे कि मेरी शादी तो इससे हो, और खाना पीना भूल गए, नहीं घर में जाके बैठ गए बस। माता पिता बोले बेटा बात क्या है, बात क्या है? अब लज्जा भी आ गई दोनों को, मुंह से बोल नहीं सके। आखिर उन्होंने उनके मित्रों को बुलाया, बात क्या हुई, हुआ क्या आज? तब उनने बताया कि इन्होंने वो उसको देखा है ऐसे। अरे इसमें क्या बात है, शादी करा दी, दोनों की शादी हो गई, कहीं दिक्कत ही नहीं, दोनों माता पिता राजी, शादी हो गई। अभी ये दृष्टांत मैंने पहले कह दिया है, थोड़ा खतरनाक दृष्टांत है, लड़के और लड़कियों के लिए कोई अन्यथा लेने की बात नहीं समझना। इसमें मैं क्या कहना चाहते हैं कि जो परिणाम आना हो तो धर्मात्माओं के जीवन में भी आ जाते हैं, लेकिन इसके कारण वो पापी नहीं हुए हैं। उस काल में भी वेद विज्ञान करके अपने को भगवान अनुभव किया और फिर जीवन में एक भी प्रसंग में पाप नहीं हुआ। हम इसलिए उन शेष सुदर्शन की कथा कहते हैं। परिणाम आना अलग बात है और उसकी पुष्टि करना, उसका प्लान बनाना, उसका आनंद करना और उसके षड्यंत्र करना और उसमें गाफिल हो जाना, ये अनंत पाप है। परिणाम आने की कोई बात नहीं, परिणाम तो आएगा ही है ना। माघ नंदी मुनिराज की कथा, अरे रे प्रभु अपन तो घबरा जावे। रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति जब जब होती है भावलिंगी संत आचार्य, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत और भावलिंगी आर्य का पंचम गुणस्थान भरती, और जाने कहां से मनोविकृति होती है, गड़बड़ हो जाती है। दिगंबर मुनिराज दूसरे दिन सुबह ही प्रायश्चित लेकर के आचार्य के चरणों में जाकर वो सब घटना बता देते हैं कि आज रात हमसे ऐसी गलती हुई, और प्रायश्चित ले लेते हैं और फिर मुनि हो जाते हैं। वो 9 महीने बाद बच्चे को जन्म दे करके और रुद्र की मां, और फिर वो दीक्षा ले लेती है। क्या है जैन दर्शन, कल तक का सप्तव्यसनी अंजन चोर आज एक क्षण में परिणति फिर गई। श्रीमद जी ने लिखा, श्रीमद जी ने, जो ज्ञान भाव माटे था, भाव माटे था जो ज्ञान जो उपयोग, वो क्षण मात्र में मोक्ष के लिए हो गया। इसलिए घबराना नहीं, परिणाम आते हमें भी मालूम है, लेकिन परिणाम की प्लानिंग, परिणाम का मजा, परिणाम का षड्यंत्र ये नहीं करना अपने को। बुद्धिपूर्वक क्या कहवे, गटर में घिरा हुआ रसगुल्ला, अब पहले लगता तो ऐसा ही उठा लो, लेकिन कितना ही भाव आए तो अभी हमें उठाना नहीं है। ऐसे ही जिसे लोक व्यवहार में पाप कहते हैं, वो पाप की इच्छा होने पर भी उस पाप में प्रवृत्ति हमें नहीं करनी है। बराबर, अब तो मैं नहीं समझता कहीं से शिथिलता आएगी अब, लेकिन यथार्थ को भी समझना चाहिए। परिणाम कब कहां कैसे उत्पन्न होने योग्य हैं, वो होते हैं, होते हैं।
भरत चक्रवर्ती जिन्होंने अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लिया, पटरानी सुभद्रा शादी नहीं हुई उससे पहले ही, उसके भाई ने इनकार कर दिया कि हम तुम चक्रवर्ती हो गए लेकिन हम अपनी बहन तुमको नहीं देंगे। तो सम्यक दृष्टि और छायक धमकी थी और ऐसी सीधी धमकी थी, सीधी धमकी सुना यह कन्या रत्न पर मेरा अधिकार है, सीधे सीधे दे दो तो ठीक है नहीं तो युद्ध होगा। युद्ध होगा समझ लेना, ऐसे क्या कौन कहेगी ये सम्यक दृष्टि हो रहा। कर्म का उदय कोई अलग रीति है, विकल्पों का आना अलग रीति है और भगवान आत्मा उससे भिन्न परमात्मा है। पर्याय की चिंता नहीं करना, बिगड़ने की बात तो नहीं ग्रहण हो रही ना। आज थोड़ा कठिन है प्रवचन, आज का प्रवचन मैं समझ रहा हूं, मैं खुद समझ रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल समझना, ये वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। देखो वस्तु स्वरूप समझे बिना तुम डिप्रेसमेंट में चले जाओगे और एक भी डिप्रेस जीव कभी भगवान आत्मा सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। जो शरीर की योग्यता हो, मैंने पहले एक दिन दृष्टांत दिया था, 2 साल का बालक और 20 साल के नवयुवक के परिणामों में फर्क है। उस परिणामों की यथार्थता समझो, उसे अन्यथा मत समझो और अन्यथा प्रवृत्ति मत करो, तुम्हें कोई डिप्रेसमेंट नहीं होगा। अब तुम खूब आराम से चलने दो उस पर्याय को, अपन तो भिन्न भगवान देखते जाओ, काम हो जाएगा, जाओ। समझ आया? ऐसी गजब बातें हैं। तब पर्याय की चिंता तो नहीं रही ना, कुछ बदलना है कि नहीं बदलना है। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव वो क्या बदलना है कि दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदलना है माने। अब लोगों को क्या लगता है दृष्टि जो आंख इधर है नहीं, ऐसे करना है ऐसे, ये तो दृष्टि नहीं है जैन शासन में, ये तो जड़ है, ये क्या दृष्टि पर है। दृष्टि माने देखने का दृष्टिकोण, समझने का दृष्टिकोण, एंगल नहीं, देखने का एक दृष्टिकोण होता है ना। बोलो, वो लड़का 20 वर्ष का हो गया और पिताजी उसे इतना सही समझ रहा है अभी तक, जब कोई उसके मित्र आ जावे उसके मित्र के सामने, और उसकी पत्नी आ गई 25 साल में, 25 साल का लड़का, नहीं पत्नी आ गई, अरे ओ लल्लू जो घर का नाम रख देते ना, घर का नाम क्या बोलते जो भी, बल्लू, मरे वो 25 साल का हो गया है, तुम समझो जरा। उसकी पत्नी के सामने पिंकू कहोगे तो वो उसे कैसा लगेगा, पिंकू को बुलाना, वो क्या बोले बोले, अरे तुम समझो, अब देखने का दृष्टिकोण बदल दो। इसलिए कहावत आती है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा नहीं रहता। अब तुम उसे डांटा मत करो मित्रों के सामने, तुम तो ऐसे है, तुम तो लगता है हर कहीं धका दो उसको, ऐसे नहीं करो। उसकी पत्नी और बच्चों के सामने कभी उसकी इंसल्ट मत करो। मैं आपको सच कहता हूं, पिताजी की इतनी सी ना समझ के कारण घर टूट जाती है, बहुएं टूट जाती हैं, इसलिए टूटती हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे एंगल बदल जावे, ऐसे भगवान आत्मा को, द्रव को, गुण को, पर्याय को देखने का एंगल बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। और हमें कोई नहीं बदलना, पर्याय वगैरह कुछ नहीं बदलना, द्रव बदलना नहीं, गुण बदलने नहीं और पर्याय बदलने नहीं, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। बाकी इसकी चर्चा हम अभी, समय हो गया है, करूंगा, लेकिन अभी बहुत है, माल बहुत है, अभी पूरा चरणानुयोग शाम को लूंगा। यदि किसी को थोड़ी भी तकलीफ हुई हो तो इसी में से पूरा चरणानुयोग शाम को आ जाएगा। एक्चुअली अपने हाथ में है नहीं ना, करे क्या, वो तो जो आना सो आता है ना। एक दो सलाह हम देना चाह रहे हैं थोड़ा सा। देखो भाई, आप नए भाइयों को सलाह देता हूं, देखो भाई ये पैरों में हाथ नहीं लगाएगा है ना, ये पैरों में हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे जिनवाणी के सामने ऐसे नहीं बैठना, समझ गए, ऐसे घुटनों पे पैर हाथ रख करके इस तरह से नहीं बैठना, ये अपनी जिनवाणी के सामने शोभा की बात नहीं। दूसरी बात स्पष्ट कहता हूं, बहनें बुरा नहीं माने लेकिन बहनों को इधर की मर्यादा छोड़नी चाहिए थोड़ी सी। मैंने जो हमारे सील व्रत का नियम बताता हूं आपको, गुरुदेव का नियम, बुरा नहीं माना मैं पहले ही कहता हूं, देखो हम स्पष्ट कह दूं, मैं बुरा नहीं मानना, हम किसी के परिणामों को कुछ नहीं कह सकते। इधर युवा भाई हैं, इधर युवा बहन है, नजर सामने जाए बिना रहती नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते ये बात। बहनों को अपने सील की रक्षा करनी चाहिए, भाइयों को अपने सील की रक्षा करना चाहिए। इधर बैठे तो भाई युवा बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर बैठे तो बुजुर्ग बैठ जाए, इधर बहने बैठे तो पीछे बैठे, वृद्ध महिलाएं आगे बैठे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। मेरे बहुत हृदय की बात है, उसको आप बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना, बराबर है।
बाकी चर्चा शाम को। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक न हो सदा देत हो ढो।